दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप डाइस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, कौन कौन सी डाइस एक्सपोर्ट होती है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिन लोगों को डाइस के बारे में नहीं पता। डाइस एक्चुअल में होती क्या है? देखिए दोस्तों, डाइस क्या है जो कि अलग अलग मटेरियल्स, जैसे सबसे ज़्यादा डाइस का यूज़ टेक्सटाइल में होता है, पेपर में होता है, लेदर में होता है या अलग मटेरियल में होता है कलरिंग पर्पज़ के लिए। सिंथेटिक केमिकल्स को यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्ट्स को कलर करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि बिना यानी अगर ये डाइस नहीं होंगी तो किसी भी तरीके के टेक्सटाइल में कोई भी कलर नहीं आ पाएगा, पेपर हो या लेदर हो या फिर और भी मटेरियल जिसमें डाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे के साले एक तरीके से कलरलेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके HS कोड की। सबसे पहले HS कोड की बात करें तो 32041 इसका HS कोड है। और अगर मैं बात करूं कि सरकार इस डाइस पे कौन कौन से इंसेंटिव दे रही है, तो सरकार इस पे ड्यूटी ड्रॉबैक दे रही है जो कि 1.30% है। और अगर मैं बात करूं रोड टैप की, तो रोड टैप है इस पे 0.8% जो कि FOB पे आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी डाइस की फिलहाल करंटली डिमांड आ रही है, कौन कौन सी डाइस एक्सपोर्ट की जा रही है, तो ये चीज़ें जो लोग डाइस एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिएक्टिव ब्लैक्स, ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर है पिगमेंट ब्लू 15, ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिगमेंट ग्रीन 7, ये एक्सपोर्ट की जा रही है। रिएक्टिव ब्लूज एक्सपोर्ट की जा रही है। अदर पिगमेंट ब्लू भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। रिएक्टिव रेड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एसिड ब्लैक्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है। रिएक्टिव येलोज भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पिगमेंट वॉयलेट भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ऑप्टिकल वाइटनिंग एजेंट्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं डिस्पर्स ब्लू की, तो वो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फूड कलरिंग मैटर्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। फूड येलो 4 भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एसिड ब्राउन्स भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। रिएक्टिव ऑरेंजेस भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। सॉल्वेंट बेस्ड कलरिंग मैटर्स जो कि येलो फॉर्म में है वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिगमेंट ब्लैक भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं कौन कौन से देशों में फिलहाल डाइस से आप अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं, एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर आप डाइस को एक्सपोर्ट करते हैं तो मिनिमम 100-200% मार्जिन आपको मिलना चाहिए। टारगेट करिए इस ट्रेड में मिनिमम इतना मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन अब इस ट्रेड में क्या आपको नॉलेज है? बिना नॉलेज के बिल्कुल मत करिए। प्रोडक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। यही चीज़ इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिना सीखे बिल्कुल मत करिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। हमारी ट्रेनिंग चलती है प्रैक्टिकल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पे कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, जिसमें हम आपको बायर कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। अब एक बात बताओ, ये तो पता लग गया बायर कैसे मिलेगा, लेकिन सवाल ये है जब कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो फिर एक्सपोर्ट क्या करोगे भाई? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, एक्सपोर्ट करोगे क्या? तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है इसके अंदर। उसकी नॉलेज कहाँ से मिलेगी, कौन से देशों को करना चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए और कितनी कम इन्वेस्टमेंट में मैं ये ट्रेड शुरू कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। पोर्ट विजिट वगैरह भी होती हैं हमारी, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आज ही कॉल करिए। अब बात करते हैं कौन से देशों में डाइस का एक्सपोर्ट किया जाता है। डाइस का एक्सपोर्ट USA में फ़िलहाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। उसके बाद इवन चाइना में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, टर्की में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इटली में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, नीदरलैंड फिर आ गया। नीदरलैंड में बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, नीदरलैंड को टारगेट कर लो, नीदरलैंड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ब्राज़ील को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जापान को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जर्मनी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, थाईलैंड को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मेक्सिको को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वियतनाम को भी डाइस एक्सपोर्ट की जा रही है, UAE को भी डाइस एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
अगर मैं बात करूँ इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, तो chemicsil.in पे आप जाके अपनी RCMC यानी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रेड है, लेकिन ये ट्रेड ऐसा है इसको आप बिना नॉलेज के इजीली नहीं कर पाएंगे, तो नॉलेज लीजिए और उसके बाद इस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।